हाय गाइस, वेलकम टू महाराष्ट्र लॉ सिटी 5 इयर्स 2024 प्रिपरेशन वीडियो। इन दिस वीडियो विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट एमएच लॉ सिटी 5 इयर्स। सो वन बाय वन वी लुक एट ऑल द इंफॉर्मेशन लाइक इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी, पेपर पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, व्हाट विल बी द कट ऑफ, व्हाट आर द सिलेबस एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर द सिलेबस, टॉप कॉलेजेस, व्हाट आर द नंबर ऑफ एप्लीकेंट हु विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द एग्जामिनेशन एंड हाउ टू प्रिपेयर। ओके, सो डू वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड those who are targeting for 5 years CET 24, okay? So this video will be little longer. So अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो वापस से rewind करके वीडियो को देख लेना, ठीक है? So सबसे पहले dates के बारे में let's talk about. Dates जो इसकी ideally आती है वो April month में आती है. So April 2024 में अपना exam होगा. Form filling around Feb आपका चालू हो जाएगा. Feb 2024 के आसपास, ठीक है? Update आना January onwards चालू हो जाएंगे, ठीक है? So इतने लोग अभी 11th standard just complete किया या तो about to complete करने वाले हो और 12th में भी आप जाने वाले हो, यू आर एलिजिबल फॉर 2024 एग्जामिनेशन। ऑलराइट, सो वेरी फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द कंपटीशन। 40,000 प्लस एप्लीकेंट विल बी पार्टिसिपेटिंग इन सीईटी 5 इयर्स एग्जामिनेशन। और जीएलसी आईएलएस अगर अपने को जाना है तो अपना टारगेट होना चाहिए 120 प्लस आउट ऑफ 150। अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र हो, लाइक दिल्ली से बिलोंग करते हो, आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो या मध्य प्रदेश से या तो फिर साउथ से कहीं बिलोंग करते हैं तो 130 प्लस का स्कोर आउट ऑफ 150, दिस शुड बी योर आइडियल टारगेट। टू हेल्प यू पीपल टू अचीव दिस टारगेट एट मेन्यूवर वी हैव लॉन्च बैचेस। अगर आप मुंबई बेस हो तो क्लासरूम बैचेस यू कैन जॉइन दादर, बोरीवली, वसई एंड थाने सेंटर्स। बट इफ यू आर नॉट मुंबई बेस, आउटसाइड महाराष्ट्र, मुंबई, आप कहीं पर भी इंडिया में हो तो आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? विच एवर लॉ एंट्रेंस यू आर टारगेटिंग फॉर, वेदर इट इज 5 ईयर्स लॉ, क्लैट, एलिट, स्लैट, एलसेट और एनी अदर एग्जामिनेशन, ओके? And very important, do subscribe our separate YouTube channel with regards to the law entrance. जिसका नाम है मैनुअल लॉ एंट्रेंस। यहाँ पर आपको लॉ स्पेसिफिक ही वीडियोज़ मिलेंगे एंड वीक में 2-3 डेज इस चैनल पर वीडियोज़ आ जाते हैं। सो काइंडली गो एंड वॉच दिस वीडियो एंड वेरी सून विल बी स्टार्टिंग दी लाइव पॉडकास्ट एंड मेनी न्यू वीडियोज़ विल बी कमिंग अप ऑन दिस चैनल। तो उसको जाकर सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम लॉ एंट्रेंस का है, उसको जाकर सब्सक्राइब कर लो। मैनुअल एजुकेशन का Instagram channel and Facebook, जहाँ पे आपको update, notification, lots of things will be getting. And if you want to join self-study program, books order करनी है, mock test वगैरह, तो उसका सबका link description में दिया हुआ है, do check the description. Now let's have a little overview about the CET. ये तो पहली बात तो state level का exam है महाराष्ट्र, ठीक है? And 5 years degree it is, BA and then law की degree आपको, ठीक है? Bachelor of Legislative Law, ठीक है? 130 plus colleges are there who will be accepting your CET score. और कॉम्पिटिशन वाइज एज आई मैंशन 40,000 प्लस एप्लीकेंट विल बी पार्टिसिपेटिंग। ये कॉम्पिटिशन धीरे धीरे हर साल बढ़ रहा है, तो जितना जल्दी हो सकता है आप प्रिपेयर करो और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर करो। कॉम्पिटिशन एवरी ईयर इंक्रीजिंग। एक टाइम था कि 10,000-20,000 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, आज वो नंबर डबल हो गया है, ठीक है? नेक्स्ट इज अबाउट द एलिजिबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान से समझ लेते हैं। सबसे पहले तो एजुकेशन वाइज, क्वालिफिकेशन वाइज समझ लेते हैं। अगर आपने 12th में आपका मिनिमम 45% होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी या EWS में आते हो, नंबर वन। नंबर टू, 45% अगर आप OBC, SBC, VJNT में आते हो तो। नंबर थ्री, 40% 12th में होना चाहिए SC, ST अगर आप कैटेगरी में आते हो तो। तो ये आपका 12th का मार्क्स होना चाहिए टू पार्टिसिपेट इन MH लॉ CET एग्जामिनेशन, ठीक है? अगर आप 12th अपियरिंग हो, मतलब अभी आपका एग्ज़ाम जो फैब मार्च के आसपास 2024 में होगा, वो एग्ज़ाम 12th का आप लिख रहे हो, तो भी आप ये एग्ज़ाम MH लॉ सिटी का एग्ज़ाम लिख सकते हो, यू आर एलिजिबल, ठीक है? तो एलिजिबिलिटी वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अपियरिंग हो 12th बोर्ड तो भी MSAT लिख सकते हो 24 वाला। और अगर आप कंप्लीट कर लिया आपने 12th स्टैंडर्ड आपका और ये मार्क्स आपके हैं एज़ पर योर कैटेगरी, तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो MH लॉ सिटी में। एज वाइज देर इज़ नो नी एज बार, तो आपकी एज कितनी भी आप 5 इयर्स एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट इज अबाउट दी पेपर पैटर्न। ओवरऑल 150 क्वेश्चन विल बी देयर विच यू हैव टू कंप्लीट इन 120 मिनट्स। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। सो आपके नियर बाई सिटी में, स्टेट में, जहाँ पे भी आप हो, महाराष्ट्र या आउटसाइड महाराष्ट्र, वहाँ पे आपके सेंटर आएंगे, ठीक है? सो आउटसाइड महाराष्ट्र में सेंटर थोड़े से लिमिटेड है, बट महाराष्ट्र में सेंटर आपको काफ़ी डिसेंट लेवल पर मिल जाएंगे, ठीक है? सो ऐसा नहीं है कि आपको महाराष्ट्र में आके एग्जाम लिखना है, नहीं, आप जो भी स्टेट में हो आउटसाइड महाराष्ट्र, आपके स्टेट में नियर बाई जो फेमस सिटी है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट गुजरात, गुजरात के अंदर आपको अहमदाबाद में मिल सकता है सेंटर, गांधीनगर में मिल सकता है आपको, वडोदरा में, राजकोट में मिल सकता है, सूरत में मिल सकता है सेंटर, ठीक है? तो ये मेजर सिटीज़ है। तो ऐसा नहीं है कि आपको महाराष्ट्र में आके ही एग्जाम लिखना है, आपके स्टेट में नियर बाई सिटी सेलेक्ट करके वहाँ पर भी एग्जाम लिख सकते हो। वहाँ पर जाके कंप्यूटर पर आपको एग्जाम लिखना है। एग्जाम मोड इंग्लिश एंड मराठी रहेगा। मेजर जो प्रेफरेंस होता है लोगों का वो इंग्लिश होता है,
और ये पेपर पैटर्न है, मैथ्स 10 क्वेश्चन आएंगे फॉर 10 मार्क्स, इंग्लिश 30 क्वेश्चन फॉर 30 मार्क्स, लॉजिक 40 क्वेश्चन फॉर 40 मार्क्स, जीके 30 क्वेश्चन फॉर 30 मार्क्स एंड लीगल एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन फॉर 40 मार्क्स। हर क्वेश्चन के लिए 1-1 मार्क्स मिलेगा और अगर क्वेश्चन रॉन्ग हो गया तो देर इज नो नेगेटिव मार्किंग। सो मतलब अपने को सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं विदाउट फेल, 150 क्वेश्चन फॉर 150 मार्क्स। ओके, दिस इज द कंप्लीट पेपर पैटर्न ऑफ महाराष्ट्र लॉ सिटी 5 ईयर्स एग्जामिनेशन। नाउ नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो सिलेबस मैं डिस्कस करने वाला हूँ यही सेम सिलेबस आपके लेक्चर्स में, चाहे आपने लाइव क्लास या तो क्लासरूम ज्वाइन किया हुआ है, ये सारी चीज़ें कवर होगी। इन एडिशन टू दिस, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो या तो आपने प्रिपरेशन चालू कर दी है पार्शली, तो ये सारे टॉपिक पे काम करना चालू कर दो। ठीक है, सबसे पहले लॉजिक पे बात करते हैं। लॉजिक में ट्रेडिशनल लॉजिक आएंगे जिसको लेकर के आपको शॉर्टकट पता होना चाहिए टू सेव योर टाइम इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, बिकॉज सीईटी जो है आपका स्पीड वाला एग्जाम है। वर्बल एंड क्रिटिकल लॉजिक जिसके अंदर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको पैराग्राफ रीड करके समझ में नहीं आ रहा है तो फिर डिफिकल्ट होगा, तो वर्बल में इंग्लिश प्लस लॉजिक दोनों लगेगा। ठीक है, एनालिटिकल लॉजिक में अप्रोच प्लस पेशेंस, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे आपको अरेंजमेंट, मतलब पूरा पजल है, मतलब आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा। तो सारे टाइप के क्वेश्चन, लीनियर सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन, कंपैरिजन एंड पजल टाइप के सारे क्वेश्चन अपने को कंप्लीट करने हैं लॉजिक को लेके। ठीक है, तो अगर आपने अभी से पढ़ाई चालू कर दी तो ये सारे टॉपिक को प्रिपेयर करना चालू कर दो। लोगों ने दिसंबर 2022 से ही प्रिपरेशन चालू कर दिया 2024 को लेकर के, बिकॉज दे वॉन्ट ओनली GLC एंड IELTS पुणे, उसके नीचे कुछ नहीं चाहिए, या तो फिर सीटी में टॉप मारूंगा। तो अगर आप भी यही सोच रहे हो तो जिस दिन मेरा ये वीडियो देख रहे हो स्टार्ट करो आपकी पढ़ाई। ठीक है, नेक्स्ट इज इंग्लिश सेक्शन, वोकैब, ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश के लिए सबसे ज़्यादा जो मैं एडवाइस करता हूँ वो है रीडिंग। रीडिंग प्ले वेरी वाइटल रोल व्हेन इट्स कम टू द इंग्लिश स्कोरिंग। ओके, तो इंग्लिश के सेक्शन में अगर स्कोर लाना है तो रीडिंग पे काम करना पड़ेगा। वोकैब के लिए वर्ड पावर मेड इजी, ठीक है, रेड कलर की जो बुक है नॉर्मल लेविस की NL की, वो ले लो और उस बुक को ख़त्म करो। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है तो पूरी बुक दो बार ख़त्म हो जाएगी। ये वोकैब इसलिए डेवलप नहीं करना है कि मुझे CET का एग्ज़ाम निकालना है, नहीं ऐसा नहीं है। मतलब एग्ज़ाम तो निकालेंगे अपन, बट वो आगे करियर में भी आपको काम आएगी। आप लॉ बैकग्राउंड में जा रहे हो यार, तो कम्युनिकेशन तो अच्छी करनी पड़ेगी, वोकैब हाई लेवल के ऐड करने चाहिए अपने को। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा वो। ग्रामर को लेकर के आपके तो लेक्चर होंगे, एक मैनुअल के डैशबोर्ड पे हैंडआउट्स है, वीडियोस है, प्लस आपके बुक में सारे नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब सब दिया हुआ है। स्टार्ट करो ग्रामर। ठीक है, बाकी आपके जब लेक्चर होंगे तो आप रिवाइज करोगे। ठीक है, एंड कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वीक में आप 2 सॉल्व कर सकते हो, 2 RC अभी के लिए। तो अप टिल सेप्टेम्बर तक आई यू सजेस्ट कि 2-2 RC डेली बेसिस पे रखो, और बाद में फिर ग्रेजुअली 3-4 कर दो वीक में। ठीक है, तो वीक में 2 RC अभी के लिए, बाद में 3-4 RC कर देना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आपके मैनुअल के बुक में RC है, प्लस आपके डैशबोर्ड पर लॉगिन करोगे 500 क्वेश्चन का RC है, तो वो अपने को ख़त्म करना है। ठीक है, इसके बाद आ गया GK, विच इज़ अ टफेस्ट सेक्शन फॉर ऑल दी एस्पिरेंट। स्टैटिक में ये सारे टॉपिक पढ़ना है, करंट अफेयर्स में ये सारे टॉपिक। सो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो अप्रैल 24 में होने वाला है। सो अपने को क्या करना है, मार्च 2023 से लेके मार्च 2024 तक का करंट अफेयर्स। तो अभी के लिए मैं करंट अफेयर्स के लिए एडवाइस नहीं करूँगा, बिकॉज अभी तो मार्च चल रहा है, तो इसके वीडियोस हैंडआउट्स वो नेक्स्ट मंथ में आएंगे अप्रैल में। ठीक है, तो अभी के लिए मैं एडवाइस करूँगा स्टैटिक GK। ठीक है, स्टैटिक GK चालू करो, और जैसे जैसे मार्च अप्रैल, अगर आप लेट वीडियो देख रहे हो या मई जून में देख रहे हो मेरा वीडियो, जब भी देख रहे हो आप, तो उसके हिसाब से आप करंट अफेयर्स चालू कर देना। आपके मैनुअल के डैशबोर्ड पर सारे वीडियोस अपलोड होते जाएंगे। ठीक है, और हैंडआउट्स भी। सो मार्च का हैंडआउट्स एंड वीडियोस आपको अप्रैल में मिलेगा, अप्रैल का मई में मिलेगा, ऐसा होगा। ठीक है, स्टैटिक GK में हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी ये चालू करो सबसे पहले, ये तीन एरिया। ठीक है, सबसे पहले आप वीडियोस देख लो, फिर हैंडआउट गो थ्रू करो, फिर मैनुअल का जो बुक, इतना काम अपने को करना है। ठीक है, मैथ्स, जितने लोग का मैथ्स वीक है और मैथ्स छोड़ देने का माइंडसेट है, ये बिल्कुल भी मत लाना। मैथ्स 10 क्वेश्चन ही आएंगे, नॉट एन इशू, बट हम 10 में से अच्छा स्कोर लेके आ सकते हैं, 10/10 भी लेके आ सकते हैं, 10 में से 8 मार्क्स आराम से आएगा आपका मिनिमम। अरिथमेटिक के सारे टॉपिक पे काम करना है अपने को, नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ्स एंड ज्योमेट्री के बेसिक, मेंसुरेशन, रेक्टेंगल वाले क्वेश्चन, स्क्वायर वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैथ्स को हम अच्छे से करेंगे, कुछ भी नहीं मिस करना है अपने को, और ये दिमाग से निकाल दो कि मैथ्स छोड़ना, मेरा मैथ्स वीक है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, एंड लास्टली इज़ नथिंग बट लीगल एप्टीट्यूड। आपका लीगल बैकग्राउंड नहीं है तो मैं लॉ का एग्जाम कैसे लिखूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दे विल जस्ट टेस्ट योर लीगल इंटरेस्ट। बाकी क्वेश्चन जो होंगे वो बेसिक होंगे, फंडामेंटल होंगे। इनफैक्ट ये स्कोरिंग सेक्शन है, तो ये सारे टॉपिक आपके कवर होंगे। दिस विल बी टेकन बाय द लॉयर। ओके, लीगल एप्टीट्यूड। नाउ नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द प्रिपरेशन पार्ट। सबसे पहले फाउंडेशन पे काम करना है। ठीक है,
तो पहले आपके जो लेक्चर होंगे वो बेसिक्स वाले लेक्चर्स फाउंडेशन हम अच्छा करेंगे, जैसे स्पीड मैथ्स हो गया, बेसिक ऑफ इंग्लिश हो गया, ग्रामर वाला पार्ट हो गया आपका, ओवरऑल एंटायर ओवरव्यू पार्ट, स्ट्रैटेजिक पार्ट, ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है। फिर प्रैक्टिस, शॉर्टकट, टेस्ट एंड स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग, पहले लर्न करना है फिर इम्प्लीमेंट करना है, फिर टॉपिक टेस्ट और आपके सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ मॉक, एंड लास्ट में जो आपका बोर्ड के बाद वाला टाइम है एंड प्री बोर्ड मतलब नवंबर दिसंबर वाला जो टाइम है वहाँ पे स्कोर मैपिंग और स्ट्रैटेजी पे काम करना है। इफ़ आप ज्वाइन मेन्यू जनवरी फरवरी मार्च वाला बैच या अप्रैल वाला बैच तो आपका पूरा सिलेबस 2 times रिवाइज होगा, ठीक है, और अपने को पूरा सिलेबस 2 बार करना ही है, कुछ भी अपने को पेंडिंग नहीं रखना लास्ट मोमेंट के लिए, कन्फ्यूजन डाउट कुछ नहीं चाहिए, सब चीज़ अपना क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। सो 12th का बोर्ड भी आराम से प्रिपेयर कर लेंगे और CET की पढ़ाई भी आराम से हो जाएगी अगर अभी चालू करते हो, लास्ट में भी चालू करोगे तो बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को, ठीक है। सो अगर आप 12th के साथ CET प्रिपेयर करो तो डोंट नीड टू वरी, सो आपको वीक में 2 दिन CET की प्रिपरेशन देनी है, बाकी दिन आपको 12th बोर्ड पे काम करना है। डू रिमेंबर गेट वे टू टॉप लॉ कॉलेजेस इज नथिंग बट CET स्कोर ओनली, CET में स्कोर अच्छा आया अच्छा कॉलेज मिलेगा, अगर CET में स्कोर कम आया तो वैसे ही कॉलेज मिलेगा, डी ग्रेड कॉलेज, तो अपने को कॉम्प्रोमाइज कॉलेज के साथ बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। और ये आपका पूरा प्लानिंग पार्ट है जो जो आपके करिकुलम में रहेगा, मार्च चल रहा है अभी तो मेजर पढ़ाई अपनी अक्टूबर नवंबर तक हो जानी चाहिए और बाद में फिर अपना रिवीजन मोड चालू हो जाना चाहिए अप्रैल तक, अप्रैल में अपना एग्ज़ाम होगा और यहाँ पे आप जैन फैब ये भूल जाओ, ये टाइम आपका 12th बोर्ड में जाने वाला है। जनवरी 15 से आप प्रेशर में आ जाओगे और ये 15 मार्च मतलब ये 2 महीना 2.5 महीना तो इधर जाएगा, तो आपको मेजर पढ़ाई का टाइम जो है वो दिसंबर ही है, तो देखा जाए तो आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से 10 मंथ है, ठीक है। तो अभी 1 साल से ज़्यादा ऐसा बिल्कुल मत सोचो, बाकी यहाँ पे आपको बेसिक रिवीजन, क्विक रिवीजन, ये सब चीज़ें ही करनी है, ठीक है। सो आपके लेक्चर्स होंगे, अगर आपने लाइव क्लास ज्वाइन किया लाइव क्लास या तो क्लासरूम ज्वाइन किया तो क्लासरूम होंगे, फिर आपका स्टडी मटेरियल जो होगा बुक्स के क्वेश्चन 2 बार प्रैक्टिस करने हैं, शॉर्टकट सीखना है अपने को, डाउट है तो क्लास में आप पूछ सकते हो या तो लाइव क्लास के सेशन में तो उसमें पूछ सकते हो, मोटिवेटेड रहना है अपने को थ्रू आउट प्रिपरेशन, तो टॉपर्स के पॉडकास्ट वाले वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल, यू कैन वॉच दोज पॉडकास्ट, सिर्फ यूट्यूब पे टाइप करना MH Law CET 5 years टॉपर्स पॉडकास्ट वीडियो बाय मेन्यू एजुकेशन, यू विल गेट द टॉपर पॉडकास्ट वीडियो, और CET में टॉप मारना है ये माइंड सेट के साथ प्रिपरेशन आपकी चालू कर दो, ठीक है। और इट्स दीज आर द टॉप कॉलेजेस, GLC हो गया, ILS हो गया, प्रवीण गांधी कॉलेज हो गया, काइंडली गो थ्रू ऑल दीज कॉलेजेस। 40,000 प्लस का कॉम्पिटिशन है, कट ऑफ आपके लिए 120 प्लस, आउटसाइड महाराष्ट्र हो तो 130 प्लस आउट ऑफ 150, सो टारगेट स्कोर 120 प्लस का लेके चलो फॉर द GLC एंड ILS। सो अगर आपने अच्छे से अभी से पढ़ाई चालू कर दी, दोनों एग्जाम 12 बोर्ड और 5 ईयर्स भी अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, तो अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट कर पाओगे, क्रिसमस एंड न्यू ईयर, अदरवाइज फॉर मी नो दिवाली नो क्रिसमस नो न्यू ईयर, ओनली CET प्रिपरेशन, ठीक है, ओनली CET प्रिपरेशन। तो ये सब पे टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना, फेस्टिवल सीजन, ये सब चीज़, फेस्टिवल, फैमिलीज, रिलेटिव, फ्रेंड, OTT प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, ये सबसे दूर होना पड़ेगा फॉर दिस ईयर, बिकॉज दो दो चीज़ का अभी आपके पास बर्डन रहेगा, एक बर्डन आप एक शोल्डर पे रहेगा आपका 12th बोर्ड, दूसरे शोल्डर पे MH Law CET, ठीक है। सो डू कीप ऑल दिस एग्जाम इन माइंड एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। सेलेक्शन प्रोसेस, एक तो आपका CET का एग्जाम लिखना है अपने को, अच्छा स्कोर लेके आने के बाद आपका सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस विच इज नथिंग बट कैप राउंड चालू होगा, सो इसको लेकर के विल हेल्प यू आफ्टर द एग्जामिनेशन, बट हाँ इसका जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन करना ऑनलाइन, फिर अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स, प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है, फिर फीस एंड फ्लोट करना है, उसके बाद पेमेंट करना है एंड रिपोर्ट करना है एडमिशन सेंटर पे, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट द लिस्ट ऑफ द टॉप लॉ कॉलेजेस, ठीक है, सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू ऑल दिस डेटा। सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो, आई होप यू हैव अंडरस्टूड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट MH Law CET 5 years 2024 and 2025। अगर आप 2024-2025 के लिए स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, सो बैचेस के लिए लाइव क्लास यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, बोरेली वसई दादर एंड थाने, इफ आर मुंबई बेस्ड, क्लास रूम के लिए, ठीक है। तो CET में स्कोर अच्छा आया तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, GLC ILS के नीचे अभी के लिए मत सोचो, ठीक है, और आपका स्कोर एज आई मैंशन 120 प्लस का रखो, बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लो जो कि मैनुअल लॉ एंट्रेंस है, ठीक है। ये आप मैनुअल एजुकेशन चैनल पे वीडियो देख रहे हो तो मैनुअल लॉ एंट्रेंस अलग से चैनल है जहाँ पे लॉ स्पेसिफिक वीडियोस मिलेंगे, उसको जाके सब्सक्राइब कर लो। एंड सोशल मीडिया हैंडल्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डू चेक द डिस्क्रिप्शन, एंड लास्टली शेयर दिस टू ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट दे शुड ऑल्सो बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।